5 सितंबर के ईश्वर में उसका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भवा। संगम युग पर जो बाप के वर्ष के अधिकारी हैं, मतलब कि उनसे जो सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्ति इन सब के अधिकारी हैं, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। स्वराज्य मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करना। आज हम आत्माएं अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं सारी बाहरी दुनिया से हैं, बाहरी व्यक्तियों से हैं। लेकिन जब हमारी सारी इच्छाएं प्रेम सुख शांति आनंद खुशी शक्ति की परमात्मा से हो जाती हैं, तो हम अपने स्व के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। रूहानी नशा मतलब मुझे पता है कि मुझे परमात्मा से क्या प्राप्ति होने वाली है, आगे आने वाला समय कौन सा है, और मुझे बेहद की प्राप्ति हो रही है। जब सारी दुनिया हद की प्राप्तियों के पीछे जा रही है तो रूहानी नशा में होगा ही होगा, क्योंकि हमें सब कुछ परमानेंट वाला मिल रहा है, टेम्प्रेरी वाला नहीं। अधिकारी कभी कोई वस्तु के व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। जिसका अपने ऊपर अधिकार है, अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार है, अपने कंट्रोल है अपने 5 सेंसेस के ऊपर, वो कभी किसी वस्तु के किसी व्यक्ति के किसी संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती हैं। हद की बातें हो गई, जैसे फिजिकल अटेनमेंट्स की बातें हो गई, कोई चीज़ उनको चाहिए वो नहीं मिल रही है तो उसमें दुखी हो जाना, ये नहीं हो सकता उनके साथ में। हद की प्राप्तियों की बातों में वो फंस नहीं सकते बिल्कुल। ये होती है सच्चे योगी की निशानी, सच्चे स्वराज्य अधिकारी की निशानी, सच्चे विश्व राज्य अधिकारी बनने वाली आत्मा की निशानी। ओम शांति।